हेलो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ये ब्लूटूथ स्पीकर की चार्जिंग प्रॉब्लम को रिपेयर करके दिखाऊंगा अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो चार्जिंग जेक लगा है यह चार्जिंग जेक टूट के अंदर चला गया है आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले चार्जर को लगा के दिखा रहते हैं आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं यह चार्जर फिट नहीं हो रहा है यह चार्जिंग जेक सार्ज करते टाइम अंदर चला गया है टूट के अब इसको रिपेयर करके दिखाऊँगा आप लोगों को नया आइडिया के साथ सबसे पहले यहाँ पर सारा स्क्रू को खोल लेते हैं फटाफट से यहाँ से मैंने चार स्क्रू को खोल लिया हूँ और उसके बाद ऊपर की यह थक्कन को हटा लेना है आप लोगों को यहाँ से अब मैंने ये थक्कन को भी खोल लिया हूँ और उस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये चार्जिंग जैक यहाँ से यहाँ पर टूटा हुआ है आप लोग देख सकते हैं पहले से ही टूटा हुआ था यहाँ पर अब यहाँ पर जो ये बैटरी का कनेक्टर है, है इसको खोलना है आप लोगों को ये लाल वाला बैटरी का तार है और उसके बाद सफ़ेद वाला कनेक्टर यह स्पीकर का तार है ये दोनों तार को आप लोग ध्यान रखना है खोलने के टाइम पर यहाँ पर उल्टा बल्टा होने पर यहाँ पर ख़राब हो सकता है ये सर्किट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये चार्जिंग जग यहाँ से टूट गया है आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पर ऐसे लगा था यहाँ पर ऐसे यहाँ पर प्रिंट भी उठ गया है अब इस सर्किट को इस यहाँ से खोलना होगा इस ढक्कन से यहाँ पर दो स्क्रू लगा रहते हैं इसको खोल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर यह सर्किट को मैंने खोल लिया हूँ अब आप लोगों को इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा अब यहाँ पर देख सकते हैं इस सर्किट में यहाँ पर चार्जिंग जैक पहले लगा था यहाँ पर कॉपर का प्रिंट भी उठ गया है चार्जिंग जैक के साथ यहाँ पर चार्जिंग जैक को दोबारा यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हम सोल्डर भी नहीं कर सकते यहाँ पर देख सकते हैं यह चार्जिंग जैक के साथ यहाँ पर सर्किट का कॉपर प्रिंट पूरा यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे पूरा उठ गया है यह चार्जिंग जैक का कॉपर का प्रिंट यहाँ पर यह चार्जिंग जैक को यहाँ पर दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं सोल्डर नहीं कर सकते हैं हम तो इसीलिए मैं इसके बदले एक दूसरा आइडिया यूज करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में यह चार्जर केबल देख सकते हैं यू मोबाइल चार्जर केबल इस यू मोबाइल चार्जर केबल को यहाँ पर बीच में ऐसे काटना है काट के यहाँ पर जो अंदर का दो पॉजिटिव निगेटिव तार है इस दोनों तार को इस चार्जिंग जैक के कनेक्टर की पहले थाइ पर यहाँ पर शोल्डर का ऐसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंदर की दोनों तार को यहाँ पर कनेक्शन करूँगा मैं और उसके बाद इस यू एस बी चार्जर केबल को मोबाइल चार्जर में डायरेक्ट लगा देना है तो अब यह ब्लूटूथ स्पीकर आसानी से चार्ज होगा तब यह कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा ये चार्जिंग प्रॉब्लम अभी आप लोग समझ सकते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैं डायरेक्ट यू यू मोबाइल चार्जर से यहाँ पर सर्च करूँगा आप लोगों को फिर से एक बार समझा देते हैं ये जो यू केबल देख रहे हैं आप लोग इस यू केबल को इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर में यहाँ पर ऐसे कनेक्शन करूँगा मैं यहाँ पर बीच में काट के इसको कनेक्शन करना होगा सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐसे कनेक्शन करूँगा और उसके बाद इस यू केबल को मोबाइल चार्जर में यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लगा दूँगा तो अब यह ब्लूटूथ स्पीकर आसानी से चार्ज होगा और उसके बाद इस ब्लूटूथ स्पीकर में कभी भी चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं होगा अब इसको यहाँ पर काटना होगा आप लोगों को आप लोग अपने हिसाब से काट लेना मैं इस यू एस बी केबल को थोड़ा लंबा रखूँगा इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं काटूँगा आप लोग अपने अनुमान से इसको काट लेना मैं यहाँ पर काटूँगा इसको यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर जो अंदर का तार लगा है चार तार लगा है यू एस बी यू एस बी केबल में इस तार को ऐसे बाहर निकाल लेना है आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चारों तारों का कलर अलग अलग है यहाँ पर जो रेड और काले कलर का दो तार है ये दो यही दोनों तार से ही यहाँ पर करेंट सप्लाई होता है यहाँ पर तो ये रेड और दोनों काले तार को यहाँ से ऊपर की सिल्के को हटा लेना है यही दोनों पॉजिटिव निगेटिव तार है अब इसको चेक करके भी दिखाऊँगा आप लोगों को यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं और उसके बाद बाकी जो दो बसे हुए तार है उस दोनों तार को काट देना है सबसे पहले आप लोगों को इस चार्जर यू एस केबल को चेक करके दिखाऊंगा कौन सा तार में वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर मैंने चार्जर को लगा दिया हूँ अब यहाँ पर ये यह जो रेड और काले दोनों तार है इस दोनों तार में वोटेज को चेक करूंगा ये दोनों तार पॉजिटिव निगेटिव है या नहीं यहाँ पर मार्टी मीटर की तार को लगा देते हैं आप लोग देख सकते हैं फाइव पॉइंट ट्वेंटी नाइन फोल्ट दिखा रहा है तो यही दोनों तार पॉजिटिव निगेटिव तार है बाकी और जो ये दो तार है इस दोनों तार को यहाँ से काट देना है सफेद और ये ग्रीन वाले तार को तो इस दोनों तार को ब्लूटूथ स्पीकर की चार्जिंग जैक की तरफ तो कनेक्शन करना होगा अब यहाँ पर ये यह जो देख सकते हैं आप लोग ये चार्जिंग जैक पहले यहाँ पर लगा हुआ था आप लोग देख सकते हैं इस चार्जिंग में जैक में यहाँ पर फाइव टर्मिनल लगा है आप लोग देख, देख सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा ये टर्मिनल देख सकते हैं ये फाइव टर्मिनल है, है सबसे पहला वाला और लास्ट वाला पॉजिटिव निगेटिव है यहाँ पर भी ये फाइव टर्मिनल का यहाँ पर साइम है आप लोग देख सकते हैं सबसे जो ये पहला वाला टर्मिनल है यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव है इस डायट में यहाँ पर ट्रैक हुआ है ये पहला वाला और लास्ट वाला ये निगेटिव है सभी यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये टर्मिनल का कॉपर का प्रिंट उठ गया है इस दोनों तार को यहाँ पर कनेक्शन करना होगा और ये काले तार को लास्ट में कनेक्शन करना होगा सबसे पहले ये रेड वाली तार को यहाँ पर कनेक्शन करूँगा मैं ये पॉजिटिव है कनेक्शन करने से पहले इस ब्लूटूथ स्पीकर की थक्कन से यहाँ से अंदर डालना है इस चार्ज चार्जर को और उसके बाद यहाँ पर ऐसे बांध देना है आप लोगों को यहाँ पर ऐसे बांध देने से ये चार्जिंग जेग खींचने पर भी बाहर नहीं निकलेगा आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पर बांध दे दिया हूँ अब ये यहाँ पर ऐसे फंसा रहेगा यहाँ पर खींचने पर भी ये बाहर नहीं निकलेगा अब यहाँ पर सबसे पहले रेड तार को यहाँ पर मैं शोल्डर करूँगा ये पॉजिटिव है आप लोग देख सकते हैं इस सर्किट में यहाँ पर ये जो पहला वाला प्रिंट देख रहे हैं आप लोग ये चार्जिंग जेग का यहाँ पर फाइव प्रिंट लगा हुआ है फाइव प्रिनों में से यहाँ पर जो पहला वाला है ये पॉजिटिव है यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्जर जेक में ये जो पहला वाला है ये पॉजिटिव है तो तो यहाँ पर पहले वाले पर भी ये रेड कलर की तार को शोल्डर करना होगा यहाँ पर ऐसे ट्रैक करके ये जो डायाट देख रहे हैं ये छोटा वाला डायाट इस डायट की लेग पर भी आप लोग शोल्डर कर सकते हो यहाँ पर क्योंकि आगे की तरफ यहाँ पर प्रिंट उखर गया है तो तो मैं यहाँ पर लास्ट में इस डायट को डायट की तरफ शोल्डर करूँगा यहाँ पर रेड वाले तार को सोल्डर करूँगा मैं आप लोगों को सबसे पहले सोल्डर करके दिखा रहते हैं और उसके बाद फिर से एक बार समझाऊँगा और यह लास्ट वाला जो टर्मिनल है आप लोग देख सकते हैं ये प्रिंट ये नेगेटिव है इस चार्जिंग जैक का और आप लोग यहाँ पर ये यह जो यू केबल का किनारे की प्रिंट देख रहे हैं यहाँ पर भी शोल्डर कर सकते हो क्योंकि ये ग्राउंड है निगेटिव है तो यहाँ पर मैं शोल्डर करूँगा काले तार को सबसे पहले ये रेड तार को शोल्डर करके दिखा रहते हैं आप लोगों को शोल्डर करने से पहले इस दोनों तार के ऊपर मैं यहाँ पर ऐसे रंग को लगा लेना है ये दोनों तारों के ऊपर में यहाँ पर रंग को लगा दिया हो अब ये सर्किट पर इस तार को सोल्डर करना होगा सबसे पहले ये रेड वाली पॉजिटिव तार को यहाँ पर सोल्डर करूँगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये छोटा सा कॉम्पोमेंट्स देख रहे हैं ये डायाड है इस डायाट की लेग पर यहाँ पर मैंने शोल्डर कर दिया हु इस रेड वाले तार को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये छोटा वाला डायाट आप लोगों को भी ये ब्लूटूथ स्पीकर में ये डायाट जरूर होगा और उसके बाद ये काले तार को ये निगेटिव है इसको यहाँ पर मैं सोल्डर करूंगा आप लोग देख सकते हैं ये यू एस बी केबल का जो किनारे का दो लेग है इस दोनों लेग की कोई भी एक लेग पर यहाँ पर सोल्डर कर सकते हो क्योंकि ये यू एस बी केबल का ये कवर ग्राउंड है यहाँ पर मैंने ये निगेटिव को सोल्डर करूँगा आप लोग देख सकते हैं मैं कहाँ कहाँ पर सोल्डर किया हूँ ये दोनों तरह को अभी आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सोते वाला कॉम्पोमेंट्स है यहाँ पर यह डायड में यहाँ पर जो ये सोफेद वाला भाग है यहाँ पर आप लोगों को नहीं सोल्डर करना है बल्कि यहाँ पर ये जो दूसरा साइड है दायाट का ये काले वाला भाग यहाँ पर शोल्डर करना है और उसके बाद ये काले तार को मैंने यहाँ पर यू में शोल्डर कर दिया हु अब इसको चेक करके भी दिखाऊंगा सबसे पहले इस सर्किट को यहाँ पर फिट कर लेते हैं इस ढक्कन में ऐसे पहले जैसा और उसके बाद आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा ये चार्ज लेता है या नहीं ये सर्किट और यहाँ पर दो स्क्रू लगा है इस दोनों स्क्रू को यहाँ पर लगा देना होगा आप लोग देख सकते हैं ये पूरा अच्छी तरह से फिट हो गया है और उसके बाद यहाँ पर दो स्क्रू को लगा देना है आप लोगों को स्क्रू को पहले टाइट कर लेते हैं और उसके बाद इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दो कनेक्टर है ये जो काले वाला और रेड वाला तार है ये बैटरी का कनेक्टर में लगाना होगा ये रेड वाली ये बैटरी का कनेक्टर है और उसके बाद ये सफ़ेद वाला जो है ये सफ़ेद वाले को यहाँ पर ऐसे लगाना होगा ये स्पीकर की तार है आप लोगों को इस दोनों कनेक्टर को उल्टा बल्टा नहीं करना है यहाँ पर उल्टा करने से यह सर्किट ख़राब हो सकता है अब मैं आप लोगों को इसको चेक करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर सारा स्क्रू को टाइट कर लेते हैं यहाँ को यहाँ पर स्क्रू को लगा देते हैं सबसे पहले अब मैं आप लोगों को इसको चेक करके दिखाऊंगा आप लोग देख सकते हैं ये, ये वी एस पी केबल से आप लोग इस ब्लूटूथ स्पीकर को डायरेक्ट मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हो अब यहाँ पर कोई भी चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं होगा यह ब्लूटूथ स्पीकर में अब इस चार्जर को डायरेक्ट बोर्ड में लगा देते हैं अब मैंने स्विच को ऑन कर दिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइट जल रहा है तो यह ब्लूटूथ स्पीकर हंड्रेड परसेंट चार्ज हो रहा है तो आप लोगों को मैंने पूरा चेक करके दिखा दिया हु आप लोग देख सकते हैं यह रेड लाइट जल रहा है तो ये बिल्कुल चार्ज ले रहा है મે ચાર્જર કો નિકાલ દિયા હો આપ લોગ દેખ સકતે હે યે ફિર સે બોન્ડ હો ગયા હે ચાર્જર કો લગા દેને કે બાદ યે ફિર સે ચાર્જ હો રહા હે આપ લોગો કો મેને પૂરા લાઈફ ચેક કરકે દિખા દિયા હો ઇસકો રિપેર કરકે તો આપ લોગ ભી ઇસ આઇડિયા કો યુઝ કરકે યે બ્લુટૂથ સ્પીકર કે ચાર્જિંગ પ્રોબ્લેમ કો રિપેર કર સકતે હો અબ ઇસકો પાવર ઓન કર લેતે હે આપ લોગો કો દિખાતે હે પાવર ઓન હોતા હૈયા નહીં યહ પર યે સ્વીચ કો દબારે ના હોગા એસે દબકે રખના હોગા તો આપ લોગ દેખ સકતે હે યે બ્લુટૂથ સ્પીકર પાવર ઓન હો ગયા હે યહ પર નીલે લાઈટ ભી જલ રહા હે अब इसको फिर से पावर ऑफ कर लेते हैं तो आप लोगों को मैंने पूरा चेक करके दिखा दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना